हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कौशल यादव फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू डू स्मार्ट स्टडी फॉर नीट MDS। ओके, तो जल्द से जल्द शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। तो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं, हर साल 20,000 से 25,000 स्टूडेंट अपियर्ड होते हैं फॉर दी नीट MDS, जिसमें से सिर्फ 2,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो पाता है। गाइस, जिसका सिलेक्शन हो जाता है दैट इज़ वेल एंड गुड, बट जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो क्या रीज़न होता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है? कहाँ लैक कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ये बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, क्या छोड़ें, क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है? मेहनत तो सभी करते हैं गाइस, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो क्या रीज़न है उसके पीछे? जैसा कि आप जानते हैं, कुछ स्टूडेंट जब फाइनल ईयर में होते हैं तो वो सोचते हैं कि हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे आफ्टर इंटर्नशिप, और बिटवीन दी इंटर्नशिप हमारे पास बहुत टाइम है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फाइनल ईयर से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, और कुछ एक आध स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट ईयर से ही अपनी तैयारी शुरू करते हैं। तो गाइज, देखते हैं आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो गाइज, जब देखें हम लोग फर्स्ट देखें तो आर यू रेडी फॉर एंट्रेंस और नॉट, रियली आर यू रेडी, ये सवाल हमारे मन में आता है कि क्या आप एंट्रेंस देना चाहते हैं, क्या आप क्रैक करना चाहते हैं, या फिर ऐसे ही निकालना है, ऐसे ही बैठना है फॉर दी एंट्रेंस। तो गाइज, ये इम्पोर्टेंट सवाल सबके मन में आता है, तो ये पहले आपको अपने माइंड सेट करना पड़ेगा कि क्या आपको सही में एंट्रेंस निकालना है या नहीं निकालना है। और गाइज, अगर हम बात करें कि आपने कब से पढ़ाई शुरू की है, कितने दिन से, फर्स्ट ईयर से, फाइनल ईयर से, या इंटर्नशिप से, तो गाइज मैं बता दूँ, नो मैटर व्हेन यू स्टार्टेड स्टडी, रियली गाइज, नो मैटर व्हेन यू स्टार्टेड स्टडी, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कब से स्टार्ट किया है। मैटर ये करता है कि किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप पूरा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, फिर भी याद नहीं रह पा रहा है एग्ज़ाम में, तो उसके लिए आप क्या करें? तो गाइज, ये इम्पॉर्टेंट है, तो आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। उसके लिए द वन एंड ओनली वन मंत्रा, डू स्मार्ट स्टडी, बिकॉज गाइज आप जानते हैं द सिलेबस इज टू वास्ट, कंप्लीट करना मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। तो गाइज, सबसे पहले आपको जानना होगा कि नीट MDS की रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या डिमांड करता है। क्या वो क्लिनिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, या फिर वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, या फिर इमेज बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है? तो आपको पहले समझना होगा पैटर्न, उनकी डिमांड क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, 2020 में 35 to 40 क्वेश्चन इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे, और कुछ स्टूडेंट्स थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं बिकॉज वो फाइनल ईयर में थ्योरेटिकल एग्जाम्स देना होता है, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की प्रिपरेशन करते हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि गाइज कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो गाइज, यही रीज़न है हमें स्मार्ट स्टडी करना है। पर स्मार्ट स्टडी करे तो करे कैसे? तो जब हमें पता लग गया कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, नीट MDS की पैटर्न क्या है, तो हमें फिर फोकस करना है टॉपिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट MDS। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए? तो गाइज, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस बनाए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन वॉच लेटेस्ट वीडियो। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर टॉपिक इंपॉर्टेंट मिल गए तो उसको मास्टर कैसे करें। अब टॉपिक को मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, बिकॉज अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे तभी आप रिकॉल कर सकते हैं वो टॉपिक्स को ड्यूरिंग योर 3 आवर्स एग्जाम। तो गाइज, वो बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। गाइज, मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक स्टूडेंट जिसने 10 टॉपिक अच्छे से पढ़ा, बार बार रिविजन किया उसका, और उसने एग्जाम में
उसमें से 5 क्वेश्चंस पूछे गए और उसने एग्जाम में पांचों क्वेश्चन 100% सही कर दिए, बिकॉज उसने बार बार रिवाइज किया है। और एक दूसरा स्टूडेंट जो 100-200 टॉपिक्स को पढ़ के जा रहा है और वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जा रहा है 4 ऑप्शंस में, और फिर उसके बाद उसके 50-50 चांसेस होते हैं कि वो उसके क्वेश्चन सही होगा या नहीं होगा। तो गाइज आप ही मुझे बताइए विच इज़ द बेस्ट मेथड टू स्टडी। तो टॉपिक को मास्टर करना है इंस्टेड ऑफ स्टडी द होल सिलेबस और द सब्जेक्ट। सो गाइज उसके बाद आपने मास्टर कर लिया टॉपिक को, उसके बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्यों करनी है, बिकॉज इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। बिकॉज एज यू नो 240 क्वेश्चंस रहते हैं, 180 मिनट में करना है। इसका मतलब 1 मिनट भी नहीं है आपके लिए फॉर वन क्वेश्चन। तो गाइज स्पीड करने के लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज रिविजन इज़ द की ऑफ सक्सेस एज यू नो। उसके बाद आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी देना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट जब आप देंगे तो उससे आपको आइडिया रहेगा कि 3 आवर्स में मैं कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकता हूँ, आप वो सीखेंगे। तो गाइज ये सब चीज़ का आपको ध्यान देना है इंस्टेड ऑफ स्टडी दी होल सिलेबस। और कहीं ना कहीं अगर आप इस ऐसे पैटर्न से अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली गाइज आप निकाल एग्जाम्स को क्रैक कर देंगे। तो गाइज थैंक यू ऑल एंड माय बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू गाइज। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, और ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़िए। जय हिंद।